हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बोर्ड अकेडमी में स्वागत है। आज हम डीडीए एग्जाम के लिए जीके पढ़ने वाले हैं और यह जीके का पार्ट वन रहेगा। यह क्लास डीडीए में जो पटवारी और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? हमें बताना कि इनमें से कौन सा विटामिन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विटामिन के। विटामिन के जो होता है यह मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य होता है। और यदि हम विटामिन के की बात करते हैं तो इसका जो रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है? तो फिलोक्विनोन होता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। तो हमारा प्रश्न क्या था कि इनमें से कौन सा विटामिन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विटामिन के। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न दो। प्रश्न दो क्या करे कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? हमें बताना कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। कौन से संशोधन? तो 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। और यदि हम मौलिक कर्तव्य की बात करते तो इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, कौन सा? तो 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था और इसे रूस के संविधान से लिया गया। कहाँ के संविधान से लिया गया? तो इसे रूस के संविधान से लिया गया है। और यह संविधान के भाग चार के काम में इसका वर्णन है। और अनुच्छेद की अगर बात करते हैं, इसका जो अनुच्छेद है यह 51 का काम है। और मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, जो मौलिक कर्तव्य है इसकी जो संख्या है वह कितनी है? तो 11 है। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो 11 है। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में इसे शामिल किया गया और इसे रूस के संविधान से लिया गया है। और यह संविधान के भाग चार का काम है। और अनुच्छेद की बात करते तो 51 का काम है। और मौलिक कर्तव्य की संख्या की अगर बात करते हैं तो यह 11 है। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संशोधन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न तीन। प्रश्न तीन क्या करेगी, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? हमें बताना कि साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है। तो साइलेंट वैली केरल में स्थित है। कहां पर है? तो केरल में स्थित है। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो वन है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न चार। प्रश्न चार क्या करेगी, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? हमें बताना कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राजगृह में। प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित की गई। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न पांच। प्रश्न पांच क्या करेगी, निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? हमें बताना कि इनमें से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कैडमियम धातु। जो कैडमियम धातु होती है यह इटाई इटाई रोग पैदा करती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न छ। प्रश्न छ क्या कह रहा है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? हमें बताना कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो भाग तीन में। किस भाग में स्थापित है? तो भाग तीन में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न सात। प्रश्न सात क्या करेगी, माजुली संसार का सबसे बड़ा द्वीप
किस राज्य में स्थित है? हमें बताना कि माजुली संसार का सबसे बड़ा द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो यह द्वीप असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न आठ। प्रश्न आठ क्या कह रहा है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिए गए। हमें बताना कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिए गए? तो यह है मुंडको उपनिषद से लिए गए। कहां से लिए गए? तो मुंडको उपनिषद से लिए गए। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नौ। प्रश्न नौ क्या कह रहा है कि आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। हमें बताना कि आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रकीर्णन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न दस। प्रश्न दस का कह रहा है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हमें बताना कि भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न ग्यारह। प्रश्न ग्यारह का कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? हमें बताना कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर बना है। तो सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर बना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न बारह। प्रश्न बारह क्या कह रहा है कि बिंदुसार का पुत्र कौन था? हमें बताना कि इनमें से बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार का पुत्र अशोक था। कौन था? तो अशोक था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न तेरह। प्रश्न तेरह क्या कह रहा है कि ल्यूमेन एकक है। हमें बताना कि जो ल्यूमेन है यह किसकी इकाई है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स की इकाई है। किसकी है? तो ज्योति फ्लक्स की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न चौदह। प्रश्न चौदह क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? हमें बताना कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1919 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम? तो 1919 का अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न पंद्रह। भारत की जलवायु है, हमें बताना है कि जो भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु मानसूनी है। कैसी है? तो भारत की जलवायु मानसूनी है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या कह रहा है कि जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? हमें बताना कि जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का पहला तीर्थकर ऋषभ देव को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का पहला तीर्थकर ऋषभ देव को माना जाता है। और संस्थापक की अगर बात करते हैं तो जैन धर्म का जो संस्थापक था कौन था? तो यह ऋषभ देव ही था। कौन था? तो जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव था। और यदि 23वें तीर्थकर की अगर बात करते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। और यदि हम बात करते हैं कि जो 24वें तीर्थकर की अगर बात करते हैं, तो 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। कौन थे? तो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। और यदि पहले तीर्थकर की अगर बात करते कौन थे? तो ऋषभ देव थे। तो जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का पहला तीर्थकर ऋषभ देव को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या कह रहा है कि
कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? हमें बताना कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रेडॉन गैस। कौन सी गैस? तो रेडॉन गैस। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। हमें बताना कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है किसका? तो राज्यसभा का। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या कह रहा है कि भारतीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमें बताना कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या करेगी, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? हमें बताना कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 21। प्रश्न 21 क्या करेगी, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हमें बताना कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 22। प्रश्न 22 का कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? हमें बताना कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में जो भाषाओं की संख्या है कितनी है? तो 22 है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 23। प्रश्न 23 क्या करेगी, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? हमें बताना कि यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 24। प्रश्न 24 क्या करेगी, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? हमें बताना कि शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो शाहनामा पुस्तक के लेखक फिरदौसी है। कौन है? तो शाहनामा पुस्तक के लेखक फिरदौसी है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 25। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? हमें बताना कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यदि हम 4 फरवरी की बात करते हैं तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर की अगर बात करते हैं तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व परिवहन दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो ये थे हमारे DDA GK के पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न। यदि यह क्लास आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।